सोनम मेरे को अक्सर कहते हैं यार तुमने आज व्लॉग नहीं डाला, मैं नाश्ता करते हुए देख लेती हूँ। अरे पैसे हिसाब दे, पैसे कुछ तो कट्टे ने कुछ ईमानदार ने डालते हो ऐसे। अरे मैं कभी निकालती हूँ पैसे। राम पाटिक, राम राम। आप तो व्लॉग नहीं बना रहे। आज बना तो नहीं रहा था व्लॉग, पर मैंने कहा चल छोटा मोटा सा बना लेते हैं। हेलो गाइस, करीम को नेल कर। राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल जी। होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी जा रहा हूँ बस इनको स्कूल छोड़ने, ठंड हो रही है बार बार। सब जैसे कल वाला हाल हो गया था ना, पीछे दो तीन दिन मौसम ठीक रहा था, अभी मौसम ख़राब हो गया दो तीन। आज वैसे व्लॉग शूट नहीं करना था, काम है कुछ थोड़े ज़्यादा, टाइम मिल नहीं पाएगा और रात को लेट शायद हो जाऊँ तो एडिटिंग में लेट हो जाऊँगा। जिम भी नहीं गए ऐसे हमारे, क्योंकि रात को ही 12 बजे सोए थे, पर हमने शुरू कर लिया। ठीक है जी, शस्त्र उठा लेते रहे। चलो भाई, सोनम मेरे को अक्सर कहते हैं यार तुमने आज व्लॉग नहीं डाला, मैं नाश्ता करते हुए देख लेती हूँ। सही बता रहा हूँ, कभी कभी वो भी क्लिक हो गया। चल यार इनके लिए बना देगा। ठीक है, अच्छा। मैंने सपना देखा, मैं काशी को पटक पटक के मार रहा हूँ। बाय बाय कार्तिक, बाय बेटा। बाय तो कच्ची यार। बाय बेटा। One hour later। सुबह नहा धो के अपा हो गया तैयार। ठीक है, ब्रेकफास्ट करना नहीं क्योंकि इच्छा नहीं हो रही है। अब स्कूल जब छोड़ के आया था तो जिम तो गए नहीं थे, आते ही चाय केक पता नहीं क्या क्या खा लिया, फिर फैन खा लिया, अब इच्छा नहीं हो रही। अभी देख रहा, अभी ना मैंने अभी मेरे पैसे उठाए अपनी जगह से, अभी चेक कर लेना। सोन गाल सुनना एक मिनट यार, इधर आना देख। हंस क्यों रही है? क्या हो, बोलो। मैं कह रहा पैसे हिसाब दे, पैसे कुछ तो कड्डे ने कुछ ईमानदार ने डालता है वैसे। अरे मैं कभी निकालती हूँ पैसे, तभी तो पूछ रहा हूँ। कड्डे ने तो नहीं कटे यार। अरे नहीं कटे, कटे तुम गिन लो ना। नहीं गिनता मैं, लाऊंगा मैं ही डाल दो पैसे। कड्डे ने नहीं, 1000 रुपए कटे। 1000 रुपए फिर 1000 में कभी निकालती भी हूँ, ज्यादा 500 निकालती हूँ। कितने कटे? 500 कटे ने मतलब? नहीं, साल अब तो जो होना था हो गया। रोज 500 रुपए दिहाड़ी तो आएगी ना तेरी, मनु भी कम में दबा दे बस। कार आई है बस, सीधा 500 रुपए दिहाड़ी बन जाए अपनी, नहीं वो तो वादे की चाहिए अपन। उसके लिए मैं घर के काम करती हूँ, तुम क्या करते हो बता ना। मैं गंजा हो गया हूँ काम कर करके, तुसी कर दो दस ना, बस चोरी कर दे जिन्ना। तुसी काम कर करके गंजे हो गए तो कमा भी तेरे हो ना। मैं तो कार बंदा चल रहा अभी बहुत तगड़ा, सारी जिंदगी मंदा ही चलता रहता, रोने नहीं खत्म होते तुम्हारे। चलते रहेंगे जा रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है भाई, सब जा रहे हैं हम तो इधर, मैं आपको शोरूम जाके ही मिलूंगा। ठीक है फैक्ट्री। मैं पैसे नहीं निकाल बता रही पहले ही। तेरी शक्ल ना सब बयां कर रही है, तो कटोकट 500 रुपए मारे हैं। ओ 500 नहीं मारे, 500 रुपए ईमानदार का चलता आते 500 रुपए। वो मैं सूट ऑर्डर करा हुआ है, वो आएगा तो फिर कैसे दूंगी उसको? कहते मेरा घर हो जाए तुम्हारे, फ्लिपकार्ट है मीशो सारे गाला कटने का दिल करता है, इन्हें कीड़े पैगड़ पे। मीशो को तो मैंने बोला भी, मंगाया भी नहीं है, कितने दिन हो गए। यूट्यूब पे पता किन के चैनल देखेंगे, तुमने भी कभी देखा होगा अगर कोई लेडीज लोग देख रहे हैं तो वो आते हैं ना, ये ड्रेस देखिए हमने मीशो से मंगाई है, 4-5 ड्रेस वो पहन के दिखाएगी, फिर एमएमए करेगी पाके। उन्ना दे चैनल देखेगी, फिर वो अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं ये वाले सूट का, ये प्योरी ऑर्डर कर देगी उन्हें। अरे तुमने अगर रोज हफ्ते में रोज 7 दिन वीडियो देखते हो, 7 में से 2 सूट तो शॉर्टलिस्ट कर लेते हो है ना। फिर आती आवांगा ना, ऐ देखना सही लग रहा है तुम, मैं कहता हूँ नहीं क्यों। कोई सेंस है क्यों? अबे तुमने मुझसे पूछा तुम्हें सूट अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं राती मैंने पर्पल वाला सूट दिखा रहे, कोई सुते सोन लगा मैं सुनना, मैं पता नहीं की होया। हाँ जी ये सूट सही लग रहा है। वो तेरा बेड़ा कर, बंदे की अख लगी मासा मासा आगे। चल ठीक है जा रहा हूँ मैं, बाय बाय। आइए आपका कह रही आज नहीं आएगी लगता, क्या अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी आज नहीं आएगी लगता, 11 बज गए ने जान निकल जाती है अगर 11 बजे तक ना आए ना ये। सब आज लगता है सूर्यदेव निकलेंगे नहीं, जिस हिसाब से आसार नज़र आ रहे हैं। कल शाम को भी ऐसे ही हुआ था, 4-5 बजे के बाद तो वो जो शीत लहर चली रोड पे, क्या अपराध में चल गया पहले साले। कई लोग ऐसे होते हैं पीछे से ऐसे हॉर्न बजा के
चलाएंगे गाड़ी जाए बोटी पचन लगी किसी नाल घर पहुँचना बस इन्होंने सीधा फैक्ट्री में पक्का आग लगा के बैठे होंगे वहीं जाके हाथ सेकेंगे थोड़ा यार फैक्ट्री का काम तो निपटा दिए हैं टाइम ज़्यादा लग गया कहीं जाना था सोनम के साथ छोटे मोटे काम निपटाने हैं उन्होंने अपने तो बच्चों के स्कूल के काम है अब जा रहा हूँ घर पहले इनके इनके साथ जाना पड़ेगा ये बड़ी बीमारी है चलवाने का बड़ा आलस है एक तो इसकी टैंकी भी तक मेरे ख्याल से 3-4-5 लीटर की है इससे ज़्यादा है नहीं जा रहे हैं पहले पेट्रोल डलवाना है फिर सोनम के साथ आ रहे हैं इनके काम निपटाने हैं दो काम है बस वो भी टेढ़े वाले जी बाऊ जी की हाल चाल है शाम के बज रहे हैं 5 कहीं जाना था काम निपटाने थे 2-4 वो निपटा रहा था यार चाय की हो रही है टूटन अब पहले थोड़ी चाय पीते हैं खाना तो खा के चला गया था मैं कहीं जाना था सही बताऊँ उसी में रह गया व्लॉग शूट करना मैं पूरा तो करूँ इसको नहीं तो आज मुश्किल ही लग रहा था कि आज व्लॉग शूट हो पाएगा और शाम हो गई भाई साहब ठंड लग रही है बाइक चला चला के ठंड लगने लग जाती है अभी गोविंद को बोलता हूँ आग लगवाता हूँ थोड़ी आग हाथ पैर गर्म करें तभी थोड़ा चैन आएगा और कुछ सुबह वो यार दोस्त आ गए थे जो अयोध्या जाने के लिए शोर मचा रहे थे बापू को सेट करने आए थे वो अंकल ले आ जाने हैं यार ये बापू ने पता क्या बोला ये बोला कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ बका दिया सबको कह रहे थे चलने के लिए नहीं यार शायद आज रात को निकलेंगे वो आराम से खाना खुना खा के 11-12 बजे ही निकलेंगे वो मुश्किल है बाद में जाऊँगा जाऊँगा ज़रूर देखेंगे बच्चों की छुट्टियां पड़ेंगी ना अभी पेपरों के बाद उसके बाद अयोध्या होके आएंगे पूरा रामगढ़ी बड़े हनुमान मंदिर घूमने लायक तो बहुत कुछ है और वैसे भी मैं बहुत जगह घूमा हूँ पर मैंने ये रूट कभी नहीं करा अपना जयपुर वाला उदयपुर जयपुर सोनम भी मुझे बहुत टाइम से कहते थे उधर जाने को पर वहाँ शायद सर्दियों में जाने का ही फ़ायदा है गर्मियों में तो सारा कीचड़ हो जाना उत्थे बाकी शायद वो आज रात को निकलेंगे कह तो रहे थे आए थे बट मैंने भी दिल नहीं था ना जाने का दिल इसलिए नहीं था मैं चाहता हूँ परिवार के साथ जाना इसलिए नहीं था बाकी ठीक है अभी हाथ वात सेकते हैं थोड़े यार थोड़े हाथ उत गर्म कर लिए बालू बने पे हैं और भरा साड़ी अरेंज मैरिज हुई है इंद्रपाल सानू पुछता वह लव मैरिज हुई है अरेंज मैरिज समझना अरेंज मैरिज हुई है ठीक है बाकी ठीक है थैंक यू फॉर योर कमेंट पापा तो ये केया लेके आए हैं ना नहीं दोनों आज मैं एक अजूबा देख रहा हूँ कार्तिक तू पढ़ रहा है यार हैं कार्तिक आज तो मजाक हो गया तू पढ़ रहा है तू पढ़ रहा है रिद्धि पढ़ रही है यह तो चलो मेरे आते हैं के टाइम पढ़ती है और तुसी की सब्जी मंडी खोली हुई है पापा नाश्ते की बनाया मटर दिन की बनाया मटर आप चले जाते हैं ना जी रोटी घर में फोन देखती है फोन देखती है डंडा कहाँ है मेरा झूठ कह रही है दे तू तो नहीं देखता जैसे क्यों ना ऐसा ना गोभी मटर वो मेरी मजबूरी है की कह रहे हैं क्या कह रहा कार्तिक मजबूरी है वो मेरी मजबूरी है कह रहा मजदूरी है मजबूरी का लग रहा है मजदूर मजबूरी है फोन देखना इसकी मजबूरी मुझे लग रहा है शायद कल बारिश आ सकती है क्योंकि बाहर बिजली खड़क रही है दर 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 हाँ। अगर बारिश आ गई तो ये जाते की सर्दी होगी बीमार करके कल बारिश आ गई ना पापा कल मैं छुट्टी करा देना देख रहे हो देख रहे हो साले बरात में आया तू छुट्टी करा देना पहले इसकी तैयारी होती है छुट्टी करा देना और क्या पापा कार पे छोड़ेंगे फिर जाके अभी घर पहुंचा हूं थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं ठीक है जी इस व्लॉग का भी यही एंड करता हूं कि भूख लग रही है मेरे को बहुत ताबड़तोड़ और कल व्लॉग नहीं आएगा कल मतलब आज की वार है सनम शुक्रवार आप शनि देखोगे संडे का व्लॉग नहीं आएगा बाकी मूड का कुछ पता ही नहीं तुम शूट कर लेना क्योंकि मैं शनि एतवार व्यस्त हूँ मैं पूरा दिन की दिखाना नहीं
चलो जी, अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना, और आप सबको हमारी तरफ से गुड नाइट। देख रहे हो सस्ते व्लॉगर, सस्ते व्लॉगर। आप बोल बेटे, हां भाई, तू कल भी छूट की छुट्टी है? नहीं बेटे, छुट्टी नहीं है। पहले तैयार तुम बोलो, और बारिश आ रही है। बाकी बहुत पटक पटक के मारूंगा तेरे को मैं। मसा मसा जाना शुरू है। ये आज बोल रहा था कि मैम ने कहा है कि आज स्कूल के कल स्कूल पे छुट्टी है। चुप भाई, कोई छुट्टी नहीं है। नहीं है तो ठीक है जी, बाय बाय। अभी देखते हैं इसको सेट करेंगे, कल स्कूल जाना है। ठीक है, बाय बाय।